हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। और आज के वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके पास एलजी वॉशिंग मशीन है, तो अगर वहाँ पर एलजी का टाइवन फीचर है आपके वॉशिंग मशीन में, तो किस तरह से आप इस वॉशिंग मशीन में साइकिल डाउनलोड कर सकते हैं एक्स्ट्रा वाली। जैसे कि आपके पास इतनी साइकिल अवेलेबल है, फिर भी इसमें से भी कुछ चीज़ें ऐसी है कि हो नहीं पाती। तो जैसे ब्लैंकेट के लिए अलग साइकिल है, जीन्स के लिए, तो वो यहाँ पर वो चीज़ें नहीं दी गई है। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ कपड़ों को भिगाना है, या फिर भिगाने के बाद में सिर्फ उनको स्पिन करना है, मेन वॉश नहीं करना है मुझे कुछ कपड़ों के, होता है कभी कभार। तो वैसे उस तरह से भी साइकिल हम डाउनलोड कर सकते हैं इसमें। पर उसके लिए सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट ये होगी कि एलजी की आपके पास वॉशिंग मशीन है, तो वहाँ पर आपको टाइवन फीचर मिलेगा, वो आपके वॉशिंग मशीन में चाहिए। और साथ ही में आपके मोबाइल में आपको NFC ये हार्डवेयर चाहिए। तो NFC एज एन ये मोबाइल में आता है आपको, तो आप सेटिंग में जाकर देख सकते हो कि आपके मोबाइल में NFC है या नहीं है। अगर आपके मोबाइल में NFC नहीं है, तो फिर भी आप सिर्फ एक स्मार्ट डायग्नोसिस आता है इसका, वो आप फीचर यूज़ कर पाओगे, पर आप इसका NFC का टाइवन फीचर यूज़ नहीं कर पाओगे। तो आप बेसिकली डायग्नोसिस कर पाओगे, पर आप साइकिल डाउनलोड नहीं कर पाओगे वॉशिंग मशीन में। तो LG का ThinQ ऐप डाउनलोड करना है। अभी साइड बाई साइड आप देख ही रहिए स्क्रीन पर किस तरह से आपको एक प्रोसेस दिखा रहा हूँ मैं, तो सभी चीज़ें आपको उस तरह से फॉलो करनी है। और आप उससे पहले काम कीजिए, आप डाउनलोड कर दीजिए इस ऐप को। 70 MB के आसपास ऐप होगा। तो आप डाउनलोड करने के बाद में इसे ओपन करते हैं, तो कुछ इस तरह से इसका जो है इंटरफेस आपको मिलेगा। अब यहाँ पर आपको जो है आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक तो आपके पास अकाउंट नहीं है, तो आप रजिस्टर कर दीजिए LG पर। अगर अकाउंट है, तो आपको सीधे लॉगिन करना है। मैंने लॉगिन कर दिया। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, या फिर नीचे प्लस भी है, आप कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। प्लस करने के बाद में आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट मिलेगी, पर यहाँ पर आपकी मशीन जो है वाईफाई नहीं है, तो आपके लिए सबसे लास्ट में ऑप्शन दिखेगा टैप हियर फॉर वाईफाई डिसेबल प्रोडक्ट्स, तो आपको वहाँ पर टैप करना है। यहाँ पर टैप करने के बाद में देखिए फ्रंट लोड वॉशर का ऑप्शन मिल रहा है, तो मेरी फ्रंट लोड है, तो अब मैं फ्रंट लोड चूज़ करता हूँ। आपकी टॉप लोड होगी, और आपके पास टैगऑन फीचर होगा, तो आप उस तरह से सेलेक्ट करना। फ्रंट लोड में मैंने क्लिक कर दिया है। और क्लासिफाई प्रोडक्ट, तो यहाँ पर टैग ऑन है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर यस मेरे पास है। जिनके पास नहीं है, तो फिर वो सिर्फ स्मार्ट डायग्नोसिस यूज़ कर सकते हैं, तो यस मैं करता हूँ यहाँ पर। तो मुझे बस अभी जो है NFC ऑन करना है, और NFC ऑन करने के बाद में मुझे इसे मशीन के पास इस तरह से लेके जाना है, और इस तरह से मेरा प्रोडक्ट जो है 100% कनेक्टेड है यहाँ पर। अभी मैं इसको नाम देता हूँ मेरे हिसाब से, तो मैं इसको LG वॉशिंग मशीन नाम देता हूँ। ओके, अभी ये वॉशिंग मशीन जो है ये ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर डाउनलोड साइकिल, टब क्लीन और स्मार्ट डायग्नोसिस का फीचर मिलता है। तो सबसे पहले हम स्मार्ट डायग्नोसिस की बात करते हैं। अगर जिनके पास में देखिए NFC हार्डवेयर नहीं है, तो वो सिंपली टेम्परेचर बटन को 1, 3 या 4 सेकंड तक आपको इस प्रेस करके रखना है। तो इस तरह से ये वाला आवाज़ आपके मोबाइल डिटेक्ट कर लेगा, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको पता चल जाएगा। पर आपके पास NFC है, तो आप इसे डायरेक्टली ऑन कर दीजिए मशीन को। अब जैसे कि मेरा NFC हार्डवेयर यहाँ पर है, मैंने जैसा कि मैंने बुकलेट में देखा है, तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह से, एक मिनट, मैंने गेट स्टार्टेड नहीं किया, गेट स्टार्टेड, और ये रहा 100%। अभी मेरा जो है डायग्नोसिस पूरा हो चुका है। यहाँ पर डोर, ड्रेन, टेम्परेचर सेंसर, सभी चीज़ें जो है बराबर दिखा रहा है मेरा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम पता चल जाता है इसमें। अभी इसमें बता रहा है कि डिड नॉट डिटेक्ट अबनॉर्मल ऑपरेशन। तो इस तरह से आपको ये पूरा स्मार्ट डायग्नोसिस का रिपोर्ट मिलता है। साथ ही में सेकंड ऑप्शन जो है आपका, और यहाँ पर टब क्लीन कोच है, तो अगर आप यहाँ पर टब क्लीन करते हो, तो उस यहाँ से आगे जो भी आपकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर रिकॉर्ड होती जाएगी। तो अभी फिलहाल ये अभी बता रहा है कि देर आर नो रिकॉर्ड फॉर टोटल नंबर ऑफ साइकिल। मैंने भी अभी तक इसको टब क्लीन नहीं किया, जब से मैं ऐप यूज़ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो है इंस्ट्रक्शन दिखाया गया है कि किस तरह से आपको टब क्लीन फीचर यूज़ करना है। और सबसे आखिरी में जो मेन फीचर है, वो है डाउनलोड साइकिल। तो यहाँ पर जाना है आपको, यहाँ पर देखिए बेबी वेयर, ब्लैंकेट, कलर प्रोटेक्शन, जिम क्लोथ्स, जीन्स, किड्स वेयर, बहुत सारे आपको मिलेंगे। रेनी सीजन के लिए अगर कपड़ों को थोड़ा स्मेल लगता है, तो उस तरह से फिर ये उस तरह से टेम्परेचर और बाकी चीज़ें सेट कर देगी। सेविंग टाइम, स्कूल यूनिफॉर्म, या फिर सिंगल गारमेंट, स्मॉल लोड, स्वेट स्टेन, ऊल, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। और मुझे इसमें से ये वाली एक बहुत यूज़ की लगी, जो है रिंस प्लस स्पिन। कभी कभार ऐसा होता है कि कपड़े जो है बहुत ज़्यादा मेले नहीं होते, उनको सिर्फ ज़रूरत होती है कि पाउडर वाले पानी में उनको भिगोना है, और उनको सिर्फ जो है ड्राई करना है। तो उस तरह से आप इसको देखिए, मैं एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर जाना है आपको, और डाउनलोड टू वॉशर इस पर क्लिक करने के बाद में टैग ऑन के पास लेके जाना है मोबाइल। और ये देखिए आपकी जो है यहाँ पर डाउनलोडेड पार्ट पर में, यहाँ पर डाउनलोड साइकिल ऑप्शन है,
आपको वहाँ पर ऑटोमेटिकली ये वाली साइकिल जो सिलेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पर बता रहा है 18 मिनट्स का है और वो भी 1200 RPM की। तो ये वाली साइकिल मुझे इस तरह से मिल गई। बाकी क्या आपकी साइकिल जो है वो नॉर्मल चलती रहेगी सभी साइकिल्स, जब भी आप डाउनलोड पे आओगे डाउनलोड साइकिल पे, तो यहाँ पर अभी 18 मिनट्स वाली साइकिल है। पर इसमें एक ही चीज़ ऐसी है कि आप एट ए टाइम वन ही साइकिल इस पर डाउनलोड कर सकते हो, तो मुझे अगर चेंज करना है तो मुझे फिर से दूसरी वाली साइकिल जो है जैसे कि जीन्स है, तो मैं यहाँ पर करूँगा डाउनलोड टू वॉशर और इसे यहाँ पर ले जाऊँगा। और ये 100% ये इसका जीन्स का भी टाइम यहाँ पर है 1 hour and 04 minutes। तो इस तरह से मुझे अभी ये वाली साइकिल इसमें सेफ है। तो मुझे जब भी कोई भी अगर ब्लैंकेट के यूज़ करना है तो मैं ब्लैंकेट जाऊँगा डाउनलोड टू वॉशर, सेम जो है इसका प्रोसेस होगा और 100% ब्लैंकेट का है, 1 hour 30 minutes का इसका जो है साइकिल है। इस तरह से आप एट ए टाइम वन साइकिल चला सकते हो। यहाँ पर आप डाल दीजिए ब्लैंकेट, प्लेट दबा दीजिए, साइकिल ख़त्म होने के बाद में मशीन अगर मैं बंद भी करता हूँ तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड पे जाते हम और वो वाली साइकिल सेव है। तो आपकी एक साइकिल जो है वो सेव रहेगी इसमें हमेशा के लिए, और जब भी आपको चेंज करना है ऐप पर आइए और चेंज कर दीजिए। तो यही था पूरा वीडियो जिसमें मैंने बताया कि आपको किस तरह से LG का स्मार्ट थिंक यू ऐप यूज़ करके आप इस पर साइकिल डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही में साइकिल जो है आप किस तरह से अलग अलग साइकिल चेंज कर सकते हो, और इसमें आपको स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर भी मिलता है जो NFC थ्रू आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और मिलते हैं इसी तरह से कोई अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।